गुरुनाथ महाराज की जय। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सद्गुरुनाथ महाराज की। बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। कल बात नए साल की हो रही थी तो हमारे ग्रुप है एक जिसमें हम लोग कुछ लोग रोज रात में 10 से 10:30 तक कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके बारे में पता लग जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका नाम हमारी लिस्ट में आता है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसमें अचानक ये बात आई कि लोग तो अपने अपने ढंग से हीलिंग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दूसरों को जिनको जरूरत है, तो कुछ ऐसी विधा या कोई ऐसी चीज बताई जाए कि कैसे हीलिंग हम कर सकते हैं अपनी भी और दूसरों की भी। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो आज का ये वेबिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो हीलिंग जो होती है वो तो हमारे किए से नहीं होती है, वो प्रेम के द्वारा हो जाती है। ये पूरा जगत जो है ये भाव जगत है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, कहा जाए कि उसका रूप बताओ, गुण बताओ, कुछ बताओ उसके बारे में, तो कोई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि जिसका रूप नहीं है और जो सब रूपों में है, जिसकी कोई आकृति नहीं है और वो सब आकृतियों में है, जिसका कोई गुण नहीं है वो हर गुण में है और गुणातीत भी है, उसको कैसे कोई बताएगा।
तो शायद ईश्वर को हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसका कोई भी अनुभव होता है या उसके बारे में हम सोचते हैं, उसकी महानता का चिंतन करते हैं, तो हम बहुत प्रेम से और आह्लाद से, बहुत खुशी से भर जाते हैं। तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं? भगवान का अनुभव तो शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवत्ता का अनुभव कर रहे हैं। गॉड में बी आउट ऑफ आवर रीच, बट गॉडलीनेस इज सर्टेनली विद इन आवर रीच, एंड थ्रू गॉडलीनेस वी डिस्कवर सम ग्रेट क्वालिटीज इन आवर सेल्व्स। और उसमें जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्वालिटी है, वो है प्रेम। वैसे कहते हैं कि मुल्ला नासिरुद्दीन जो है, उसने कहा कि मैं प्रेम के बारे में लोगों को लेक्चर दूंगा, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा मुल्ला जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं, हमें कुछ बताइए। तो मुल्ला जी ने बोला कि भाई, प्रेम का फंडा तो बहुत क्लियर है, सिंपल है। मैं तुम्हें प्रेम दू, तुम मुझे प्रेम दो, तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। लेकिन जो वास्तव में प्रेम करते हैं, वो मांगते नहीं हैं, वो देकर धन्य हो जाते हैं। और यही गुण हमको जो ईश्वर के एजेंट्स हैं उनमें दिखाई देता है। सूरज है, वो किसी से उसकी जाति नहीं पूछता, नाम नहीं पूछता, सबको जो है वो प्रकाश दे रहा है, गर्मी उष्मा दे रहा है, जीवन दे रहा है, अपने काम में कभी चोरी नहीं करता, किसी दिन ये नहीं करता कि आज मैं नहीं आऊंगा। हवा जो है, वो भी किसी से नाम रूप गुण जाति धर्म कुछ पूछती नहीं। सबको जो जीवन दायिनी शक्ति है, प्राणिक एनर्जी है, वो दे देती है। पेड़ जो है वो अपने फल दे देते हैं, नदियां अपना पानी दे देती हैं। हमारी ये धरती माँ जो है, ये सबका बोझा तो उठाती है, अपना बोझ किसी पर डालती नहीं। आग जो है, उसका जो गुण धर्म है वो सबके लिए एक जैसा है। शीतलता है, उसका गुण धर्म है वो सबके लिए एक जैसा है। इधर भी कोई भेदभाव नहीं है। तो जब वाकई हम अपने प्रेम का, हमारे अंदर किसी कारण से प्रेम जग जाता है, ऐसा प्रेम जो हमारे हित साधन का कोई हथियार नहीं है। हम बहुत प्रेम करते हैं परिवार में, लोगों से, मित्रों में प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है कि हमारा कोई हित पूरा हो जाएगा, कोई हमारी मदद, हम आज मदद कर रहे हैं तो कोई दूसरा मदद करेगा। लेकिन ये प्रेम वश नहीं है, इसमें एक तरह का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कॉमर्स है। प्रेम होता है तो जो आदमी है उसके हृदय में जो कुछ उठता है वो कर देता है, और करके उस अपने को धन्य समझता है। और जब ऐसा प्रेम होता है तो उस व्यक्ति में हीलिंग कैपेसिटी आ जाती है, जिसके बारे में वह सोचता है, जिसको अपने चेतना में लाता है, किसी के भले की बात सोचता है, तो उसका यह भाव उस दूसरे व्यक्ति को प्रेषित हो जाता है, उसको पहुंच जाता है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो जब कोई हीलिंग की बात होती है, चाहे हम अपनी हीलिंग करना चाहते हो या किसी और की, तो उसके लिए जो पहली शर्त है वो है कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी कारण से अपने अंदर हमें प्रेम को तलाशना होगा। और
असली बात यह है कि प्रेम को तलाशने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर है ही है, हमारा अपना स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है कि जो हम हैं उस भाव में रहना। तो अगर हम वाकई अपने कोर ऑफ बीइंग में चले जाएं तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो भाव है वो प्रेम है। क्योंकि जो हम अपने अंदर उतरते हैं तो हम पाते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है, हम बनकर बैठा हुआ है, वही तत्व है जो दूसरों के अंदर तुम बनकर बैठा हुआ है या वो बनकर बैठा हुआ है। तो जब कोई अलग ही नहीं है हमसे, तो प्रेम का या अपनत्व का भाव जग जाना बहुत स्वाभाविक है। तो इस भाव के चलते दूसरों के जीवन में या दूसरों के साथ हमको एक अपने आप प्रवेश मिल जाता है, और हमारे कारण या हमारी सोच के कारण, हमारी सद्भावना के कारण उनके अंदर कुछ न कुछ एक सुंदर परिवर्तन आने लगता है, उनकी मदद हो जाती है। तो ये हम कैसे करें? तो इसके लिए पहली चीज होगी कि हम अपने को थोड़ा शुद्ध कर लें, अपनी क्लेंजिंग करेंगे तो हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल एबिलिटी आ जाएगी कि हम दूसरे लोगों की मदद कर सकें, और प्रेम जगा होगा तो अवश्य कर सकते हैं। कि टू पर्सन्स हु डोंट नो ईच अदर, इफ दे आर ब्रॉट टुगेदर एंड दे आर आस्क्ड टू से आई लव यू, हाउ दे से इट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड that people find it very difficult to say to another person, I love. Why? Simply because there is this sense of duality. मैं अलग हूं और ये दूसरा अलग है। तो अगर दो बार तीन बार जब तक कि उनको ये बोलने में उनके हृदय से आवाज नहीं निकले कि मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूँ, प्रेम करने के लिए कोई जो साधारण सांसारिक प्रेम है उसमें डूब जाना ये जरूरी नहीं है। प्रेम तो नैसर्गिक स्वभाव है हमारा, नेचुरल क्वालिटी, दैट वी लव एवरीबडी एल्स बिकॉज एवरीबडी इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, गॉड हैज चोजन टू लिव इनसाइड एवरीबडी एज देम। तो लव इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। So when two persons are brought together and they interact, and one cannot say very naturally and with great joy, I love you, that means there is something missing. So ye sirf bar bar abhyas hi kara dene se, jo uski jhijhak hai, jo parda hai, wo gir jata hai. और हमारे आश्रम में एक बार हमारी गुरुमाई जी ने यही किया था कि कोई बड़ी गैदरिंग थी, उन्होंने दो लोगों को खड़ा किया और वहां तो सब लोग बाहर से आए हुए हैं, अगल बगल बैठे हुए थे, दो लोगों को पास पास में थे खड़ा कर दिया और कहा तुम दोनों एक दूसरे को देख करके बोलो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। एक बार बोला उनका नहीं ये ठीक नहीं, फिर से बोलो, तीसरी बार बोलो, चौथी बार बोलो, वो बदल गए वो लोग। और मुझे ये पता लग गया उस दिन कि ये जो दो आदमी थे उनके बीच में या उनके हृदय में प्रेम का अंकुर उस दिन गुरुमाई जी ने रोक दिया। क्योंकि ये जो अनुभव मिला कि किसी एक को हम जिसको नहीं जानते हैं उसको हम जाकर उसके पास बड़े प्रेम से या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो जो द्वैत है, ड्यूअलिटी है, जिसके कारण सारा भेद है इस जगत में, वो भेद गिर जाएगा। तो ये अभ्यास आप करके देखिए, कल जब कूड़े वाला कूड़ा इकट्ठा करने आता है, कहीं बाजार में आप जाते हैं, किसी को देखते हैं, तो हरेक को देखकर एक मुस्कुराना सीखिए सहज भाव से। वो मुस्कुराहट प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए, और ऐसा करने से ही
हमारा अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। हम यदि एनर्जी के स्तर पर यहाँ है, नीचे हैं, तो खट से ऊपर चले जाएंगे। और अगर ऐसा ही अभ्यास करते रहे लोगों के साथ, तो आप पाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आकर आपको अपने दिल की बात बता जाएंगे। कहीं से उनको ये विश्वास रहेगा कि मेरा जो सीक्रेट है वो इस आदमी के पास या इस महिला के पास, ये सुरक्षित है, ये उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे, हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी मदद हम दूसरों की कर सकते हैं, यदि हम अपनी झिझक को, जो झिझक आर्टिफिशियल है, ये हमारा अपना स्वभाव नहीं है, हमने ओढ़ रखा है, समाज ने हमको बहुत पहले से बताया है, लड़कियों को सिखाया जाता है कि दूसरों को देखकर मुस्कुराना नहीं, लड़कों को कहा जाता है तुम किसी के सामने जा, घर से लड़की होगी तो खुल मत जाना तुरंत। तो हमने बहुत सारी ऐसी जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, जिसके चलते हमने अपने आप को एक जो हम है नहीं वो बना रखा है। तो उस रॉन्ग प्रोग्रामिंग से निकलने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि कोई भी मिले उसको मुस्कुरा कर बात कर। हमारा अपना भला हो जाएगा और हम ये फिर देखने लगेंगे कि हम दूसरों के पास मुस्कुरा कर बात करते हैं तो दूसरों का भी भला अपने आप ही होने लगता है। ये ऐसी एनर्जी है, बड़ी इंफेक्शस एनर्जी है, आपके यहां से शुरू हो जाएगी तो ये जो धारा है ये बहती है, तो कितने लोगों का उसमें कल्याण हो जाएगा, उस गंगा में कितने लोग नहाकर पवित्र हो जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस न्यू ईयर के पहले दिन ये संकल्प अवश्य लीजिए, और कुछ करें या नहीं करें आपका पर्सनल रेजोल्यूशन कोई भी होगा, लेकिन एक रेजोल्यूशन ये जरूर रखिए कि जिसके भी हम संपर्क में आएंगे, हम ये अपने आप में धारणा रखेंगे कि ईश्वर इस व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आया है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। इट विल बी अ ग्रेट गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर द अदर पर्सन हु आर इंटरैक्टिंग विद यू। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस। सो It is a very, very wonderful thing and a very simple thing. It does not take a penny to smile. अपनी जेब से तो पैसा नहीं खर्च होता है, लेकिन सिर्फ मुस्कुराहट से हम किसी को क्या दे सकते हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इस जगह पर हम जा रहे हैं, इस युग में अभी प्रवेश हो रहा है, जिस जिसकी भूमिका बन रही है, उसमें बहुत दिक्कतें अभी हैं। हमने एक साल देखा है जिसने कितने चैलेंजेस लाए, ये चैलेंजेस अभी दूसरी तरह के आएंगे, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन अगले कई साल तक बहुत सारे लोगों को बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं, तो उसमें हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन हम एक चीज तो दे सकते हैं, अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद। तो ये अवश्य इसकी आदत बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए। अभी जहां तक बात थी हीलिंग की, उस पर आते हैं, तो एक अभ्यास हम लोगों ने पहले भी किया था, उसी को मैं थोड़ा सा थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ रिपीट करूंगा। तो आप सभी, और एक ये है कि अगर कोई लेटना चाहता है कोई, तो आप लेट भी सकते हैं, इसके लिए बैठ करके कुर्सी पर बैठ कर आप कुछ करें ये आवश्यक नहीं। तो just take a comfortable posture and become aware of your body.
एंड इफ यू आर लाइंग डाउन देन लेट योर बॉडी रेस्ट कंफर्टेबली ऑन द बेड. लेट देर बी सम योर लेग्स बी सम डिस्टेंस अपार्ट एंड योर हैंड्स आर लाइंग लूसली बाय द साइड. When you are sitting in the chair, let your hands rest on your knee or on your thigh, or just fold them and let them rest in your lap. Gently close your eyes. And with closed eyes, scan your body fully. Make sure that the body is in balance. We will begin by a few deep breaths. So we'll take deep breaths, hold them for a moment, and then release them. So breathe in deep, hold, and breathe out long. And as you breathe out, say to yourself, relax, relax, relax. And have this feeling that if there is any uneasiness in your body, there is any tension anywhere, or there are any unwanted thoughts that have been bothering you. So when you say relax, 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 you let these things go out of your system with the out-breath. So one more time, breathe in deep. Hold and breathe out long. And say, relax, relax, relax. One last time. Breathe in deep. Hold for a moment. And then breathe out long, giving yourself the suggestion, relax, relax. Now you can return to your normal breath. Feel that your body has become very quiet. And with the body, the mind is becoming quiet. So let your breath happen naturally. No force is to be applied. The air outside of you is breathing into you and then breathing out of you. You are simply watching the breath happen. And when you let the breath happen like this, you can find deeper states of relaxation and you can go deeper and deeper. Now imagine you are sitting under a pyramid. And from the vortex of that pyramid, blinding white light is falling on you.
इट इज द लाइट ऑफ द यूनिवर्स विच इज फॉलिंग ऑन द पिरामिड एंड फ्रॉम द पिरामिड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड इट बिगिन्स टू पोर इनटू योर क्राउन चक्र. This is the healing light of the universe. It is also the light of your enlightenment that has come to shine on you and take you higher. Allow this light to travel into your crown chakra and the crown chakra is being activated. You can feel the energy there. And then this light begins to travel down it fills your Ajna chakra Many blocks in your Ajna chakra are being removed. Those emotional debris, rudiments of past lives that are blocking your vision of life, these are being uprooted. They are being brought into this stream of energy. This energy is rejuvenating all the cells. Clearing blocks. Removing past memories as it travels down to your face, you can feel this energy flooding your eyes, your nose, your chin, your ears. Every organ in the face, the cells begin to shine bright. And a lot of purging is happening. Many unwanted things are being removed. And now feel this energy traveling down the throat chakra, which gets activated and cleansed. And this energy begins to travel downwards further. Travels down the shoulders to your arms, the forearms, wrists and fingers.
feel the movement of energy in all these body parts. Now from the throat chakra, the energy travels down the spine to the heart chakra. You can feel the heart chakra opening a little further. Pay attention to what is happening inside the heart. You become aware that there is more space for love. There is love for yourself. You have greater affinity, a wonderful relationship you are developing with yourself. And at the same time, you start finding your connection with everything on the outside. You become aware of the love that you possess for the entire creation. And as you experience this, a wonderful transformation is happening. Undesirables are being swept away. Toxins, cell memories, all these are being allowed to go away into this stream of energy. From the heart chakra, the energy travels to solar plexus, the solar plexus is being strengthened, becoming stronger. Now it moves to the sacral chakra, where you can heal, healing and rejuvenation happening. And many undesirables, many toxins, many cell memories, they are all being washed aside and are flowing with this stream of energy, which now goes into the root chakra, and that root chakra is being cleansed now. And as the root chakra is being cleansed, you become more aware of it. You can feel it pulsating, shining in red color. The energy does not stop there, it moves further down. Through the coccyx. The spine, it travels to your hips, your thighs, knees,
काफ मसल्स, एंकल्स एंड नाउ इट हैज कम टू द सोल्स ऑफ योर फीट। And as the energy travels this way, you are becoming aware of every limb where the energy is moving. And the energy does not stop at the soles. It is pushing further down. So imagine that some roots are coming out of the soles of your feet. And these roots begin to push deep down into the earth. And these roots are carrying whatever this energy has purged from your body, the physical body and the energy body. So these roots become a conduit for the undesirables, the negative energies, all the cell memories, emotional residue, trauma, all that which is not necessary for you and which is holding you back and blocking you. This is being carried into the earth through these roots. Mother Earth is our protector. She is full of love. And in this time of transition from duality to unity, Mother Earth is our guide and support. So Mother Earth gladly accepts all that is being carried down. And she transmutes it into light. Let the roots go down further and further, deeper and deeper. They keep going down, deeper, deeper, and deeper. The deeper these roots go, the stronger you are becoming. Because you are being grounded into Mother Earth, the more grounded you are, the more resolute the more confident
एंड द मोर कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट यू आर गोइंग टू बी एंड बिकॉज यू आर मोर ग्राउंडेड You are going to be ready to learn from everyone and everything. Let the roots keep going down. Till they reach the core of Mother Earth. Allow everything that is not for your highest good to be released into the Mother Earth's arms. The universe is pouring blessings in the form of the white light, which is illuminating every cell of your body and is carrying all that is not good for you into Mother Earth. To these roots, and it is being absorbed and transmuted. Visualize the white light energy pouring down from above as the divine blessings you are receiving. Take some time for the roots to go deeper and deeper. And when you know that they have gone very deep, right up to the core of the earth, then become aware that all the negative energies that were holding you back have been released. You have been thoroughly cleansed. Now you discover that Mother Earth has its own wonderful loving energy, a very positive energy, visible in the form of bright golden light. And this energy, it starts traveling back from the earth to the roots. And it enters you through the soles of your feet.
Some people may not be able to visualize the golden light, or some may visualize the light having another color or some other color, but know that it is good. You can just feel the energy moving to the soles of your feet. And it does not stop at the soles, it starts moving up your toes, the arches of your feet, the ankles, comes up the calf muscles, the knees, the thighs and the hips. And now it enters the root chakra. Now there is a kind of an explosion of energy in the root chakra. And the red of the root chakra is now becoming a golden yellow. Is enlarged, it is vibrating. It's vibrating at a very high frequency. Root chakra is connected to earth, where we have our fight or flight responses. But as this chakra is being strengthened and charged, you can feel a newfound sense of security, stability, and safety. The healing energy of the earth has transformed your root chakra completely. Then the energy moves up and it comes to the sacral chakra, which is a ball of orange. Again, this very high frequency golden light transforms the sacral chakra completely. It is like a new bulb, a new light source has just opened up there. And the chakra has grown, fully active. And here you are finding your abilities of courage and vitality, your manhood or womanhood, you are getting into your personal sovereignty. Now the energy moves up further and it finds your solar plexus. It's already yellow, but infused with this light, it also lights up with a golden hue. And as your solar plexus is strengthened and enlarged,
यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिलेशनशिप्स एंड योर इमोशंस. यू आर फाइंडिंग न्यू कनेक्शंस विद पीपल एंड सिचुएशंस. Diffidence and hesitation is being banished as you are more and more sure of yourself. Now the energy moves up further into the heart chakra. And there is a massive expansion . The color green is further refined . This incoming energy does not change the color of the upper chakra, the higher chakras, but it makes a difference in their vibrational frequency. So the heart chakra remains green, but it is like the green of a new shoot or new leaf. So the deep green becomes the bright color of a new shoot or new leaf coming on a tree. And there is this massive expansion. There is tremendous connectivity that you feel with yourself and also with others. The energy moves further up. Comes to the throat chakra. This also becomes very active and expands. And throat chakra is the center of your speech, your articulation. And because of this cleansing and healing that you are experiencing, you become more confident of yourself in your words and your speech. What you speak will be rooted in your personal truth. And you will be able to say things convincingly before others. Now you are ready to communicate appropriate things with appropriate people at appropriate time. The energy moves further up to the Ajna Chakra, which becomes a beautiful purple ball of energy. You can feel the energy moving with force in the space between the eyebrows, and it is giving you direction. It is giving you a vision of your life. It
will allow you to find out purpose of your life. And now this energy moves up into the crown of the head. And this beautiful ball of indigo is enlivened by the earth's healing energy that you are receiving. Making it more radiant and shining. All the seven chakras are functioning beautifully. Thanks to the healing energy of Mother Earth. Now just imagine a funnel above your crown chakra. As if this funnel is trying to open the crown chakra. And through this funnel, you can receive wisdom and guidance from the universe. So bring your attention or consciousness above your crown chakra. And there you can see or visualize as if you are standing under a shower of light from a beautiful golden ball of energy. And this is the light of ascension, the light coming from the source. This energy has cosmic knowledge. It has all your past records of so many lifetimes. It has great information. The magnitude of which cannot even be imagined. And this information is not accessible to the conscious mind. So let this energy pour through this funnel into the crown chakra, entering the crown chakra like a beautiful ball of golden light. This is the light of knowing and protection. A lot of information that is contained in this light is being transmitted to you, or it is being absorbed by your crown chakra through energy cords. And these energy cords will open up and reveal this knowledge to you in course of time. And from there, this energy comes down to the third eye chakra, the throat chakra, and then it finally comes to the heart where it decides to settle down. So it is in the heart chakra that it spreads out and expands.
become conscious of your heart and see how this beautiful energy which is there is just sweeping every corner, every little nook and corner of the heart, filling it with a warm glow of its own. In the rejuvenated heart, rest a while. It is where you can find the essence of I am. I am is the sense of being. I am is omnipresent because it can take on any role. I am can be a man, a woman, it can take a body, it can take a role. It can be anything. It can take any form, any attribute. But here, in the presence of silence, it is nothing but I am. So feel these words, these two words reverberating inside your heart. I am. I am. I am. And it is so soothing, so refreshing. The pure I am is never stale. The pure I am is ever fresh. The pure I am is everyone and everything. So it gives tremendous connectivity of being. Just rest in this awareness for a few moments. Feel the expansion that is happening within. Become aware of how your frequency has gone up. And now let your awareness expand further. It is no longer confined to your body. This wonderful energy, it expands out and it forms a beautiful ball or egg-shaped cocoon, which is a high energy capsule, and this capsule is holding you. You are feeling so loved and so protected. In this golden ball of energy. As it holds and protects you, this is still continuing its work.
रिमूविंग दोज बायो मेमोरीज विच हैव नॉट बीन रिमूव्ड येट, क्लेंजिंग दोज इम्प्रेशंस विच आर स्टिल देयर, एंड एवरी मोमेंट इट इज टेकिंग यू हायर एंड हायर. Held in the protection of this cocoon, you are opening up to divine wisdom from the universe. Be in this state for a while as all your chakras keep getting attuned. And in this beautiful state, you can give yourself certain wonderful commands. I am going to read them and you will repeat. So wherever I say dash, I will take my name, that is Brahma Prakash God, but you will take yours. I dash am free from all the interferences, injected thoughts and applications. Let peace and harmony govern my mind. May I be healthier and wealthier, better and better, making this world a better place to live. And the activation command is applied on the declared intent. So it is now. The other command is for raising frequency. So let dash maintain chakra functioning from the heart and above with a very high frequency. So it is now. And then there comes the protective shield command. Let there be a divine protective shield around dash, so that only positive energy comes in. Reflecting all the negative energies to the sender or source with double the amount of love. So it is now. Become aware of this
bubble of energy in which you are being held. You are so relaxed and so serene. Once you come to this state, you know, those who wish to meditate, they can use whatever instrument of meditation they have been using. Just sit quietly and meditate. So they can meditate on the breath. If they are doing some mantra meditation, they can use the mantra. Else, they can just sit quietly, watch their thoughts, try practicing becoming a witness to the mind. So at home, you can meditate with any of these things. But we can use this state for the purposes of healing also. So feel that your aura is expanding. Now initially, place your family members within the aura. And see how they are benefiting from this wonderful healing energy that has been created around you. Their bodies and minds are being purified. Their energy levels are being raised. And mentally, you can just bless them, wish them well. Can see how they are changing. They may not know this consciously, but their relationship with you is also changing. Greater understanding and love is going to be created. You can also bring into your aura any persons you want to heal. You can send them general healing. Let the energy take good care of whatever it wants to do. So you can make an intention that let the healing be as appropriate. Or even if it is like this, that you want to heal them in a particular way, or there is some particular organ, then you can make an intention for that healing also. Here the command would be, after configuration to cause healing to so and so, take the name of the person you want to heal and also mention the body part. So to mention Mr. X for his lungs or for his fracture or for cancer, whatever. So
वी से आफ्टर कॉन्फिगरेशन टू कॉज हीलिंग टू मिस्टर सो एंड सो फॉर दिस बॉडी पार्ट रेस्टोर इट टू प्योर हेल्थ एंड वॉट एवर इज कमिंग अगेंस्ट दिस इंटेंट बी टर्मिनेटेड सो इट इज नाउ. And feel how the healing energy contained in your aura is helping the person you want to heal. You can visualize these people whom you wish to heal becoming better. They are smiling, they are becoming more energetic. If they have any disabilities in your mind's eye, you can see them starting to use their limbs, performing all the functions. And after a while, when you have transmitted this energy or given them the benefit of your energy, you can respectfully send them back to wherever they have come from. And through this, you can feel how the divine energy is present in the golden ball of healing energy that surrounds you. And people have got better. They have become healthier, more joyful. They have got cleansed. They have become wiser. If somebody is confused or is unable to take any decision, you can make an intent that person to become more clearer in his thoughts. And all this happens through the enhanced heart that has been created within you. It is the power of your love. One feels so happy that he has been able to serve. And people whom you have helped, they may not know it because this energy exchange happens at a very subtle level. But for sure, it has happened and it works. And this is your way of serving people. You can serve people whom you know, and you can also serve those whom you don't know. And as you heal them, you can simply chant, divine love, divine love, divine love, or divine healing. Divine healing, divine healing. And through the power of your intent, the healing vibrations will help the person to whom you are sending them. And after this, you have healed specific people and sent them back. You can just let your aura expand, let it keep expanding further. Imagine it has become one with your house or building. So you can send healing to all the inhabitants of the house. All the things in the house. You can let the aura expand further and let it become with one with the society in which you are living. And have this intention that everybody, everything, every animal, every plant is receiving heavy healing blessings. Everybody is receiving what is appropriate for him.
And in this act of divine love, the healing happens spontaneously. Your aura expands further. You are sweeping the entire city. You are holding the entire city in it. And people are being healed. It expands further. You are one with the entire district. Feel that it is helping. Everybody there is being helped. And let it expand further. It becomes one with the state, with the nation, with the continent, with the globe, and with the cosmos. There is no difference between you and anyone else. And in your power, out of love, born in that experience of oneness, you wish everybody well. Send them your blessings. And enjoy this oneness with everything and everyone. If you want to bless any particular class of people, you can do that. Some people wish to bless those who are protecting them, like the armed forces, the doctors who are fighting Corona, the medical staff that is in the forefront of everything, the municipal corporation employees who are putting their life on the line. So whomsoever you want to bless separately, you can do that. And all this happens through the expansion in your being. You go to the center to find that you are not a contracted being, but a cosmic being. Just enjoy this state for a few moments. Now take a few deep breaths and begin to withdraw your aura back to the golden ball of protective shell that you were in. Become aware of the heart. And it is time to express your gratitude. So take your time to thank the divine, whatever God you may believe in, your gurus, archangels, angels, spirit guides,
योर एंसेस्टर्स, एवरीबडी हैज अ रोल इन मेकिंग यू व्हाट यू आर टुडे. Thank them for this wonderful opportunity to cleanse yourself and to help others. You can express gratitude by saying mentally, thank you, thank you, thank you, love you, love you, love you. And when you are ready, you may gently open your eyes. Take your time to come out of this state of absorption. You can begin by flexing your toes or moving your fingers. Become aware of your environment with closed eyes. You can rub your hands together. Wipe your face and gently come out to full awareness of your body and your environment. Is it okay to take a few shares? Anybody wants to share something? No? Or was it a lot to do today? No, Mishraji, any feedback? Yes, sir. You never disappoint me when I ask. So please go ahead. As you said that it was indeed a long journey, sir, and the attention span also kept on varying because of the longness, the length of the thing. But overall, I feel it was a very good thing, sir, and we are indeed blessed that you are there and you are guiding us. So main zyada uska sochta nahi hu. I just follow whatever you say, and I feel very, very good about it, sir. So overall, it was a wonderful experience. And what more can one ask for than to ask that everyone around you is blessed and everyone around you is healed. Actually, it makes us feel blessed. Yes, sir. Exactly, sir. To mujhe to bahut achha laga, sir. And the fact that you are guiding us, उससे जो और कुछ आई डू नॉट नीड एनीथिंग मोर सर. थैंक यू सर. एनीबडी एल्स? बूटा सिंह जी. हाँ बूटा सिंह. ऐसा है ब्रह्म प्रकाश जी. हाँ जी सर. कि एज द प्रीवियस स्पीकर सेड कि भाई आप जो करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है उसमें. बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने से फिर माइंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड,
So keep following whatever is being done and it's wonderful. अब ये लगभग 1.5 घंटा बैठ के बिना विचलित हुए बिना हिले डुले ये सब इतनी देर किया, ये इसीलिए हुआ क्योंकि यू हैव बीन लीडिंग अस टू डू इट इन सच ए ब्यूटीफुल मैनर, और ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। सर ऐसा है कि हाँ कोशिश ये करेंगे, हम तो पहले तो सोच नहीं रहे थे हम लोग कि इसका कुछ वीडियो रखेंगे रिकॉर्ड करके, मुझे लगता है हेमा जी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो इसको अगर कुछ लोग कुछ दिन करें तो बहुत इससे काफी जो है वो एक अंदर से प्यूरिफिकेशन हो सकता है। मैंने यही सोचा था, इसीलिए मैंने करा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को क्रिया को एपिसोड को इसको वन कैन कीप डूइंग इट ऑफन। और दूसरी बात यह है सर कि यह मुझे सबको बताने का है कि जो लोगों को लगा होगा कि ये बहुत बड़ा है और बहुत समय लेता है, लेकिन जब लोग इसको बार बार अगर करेंगे तो टाइम स्पैन बहुत कम हो सकता है। एक वो और एक इतनी समझाने की जरूरत नहीं रहेगी तो खटखट एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ऐसे। एक आध चीजें जैसे कि वैसे तो सब बड़ा क्लियर है जब आप चक्रास की बात करते हैं, एक आध चक्रास का पता नहीं है मुझे कि रेफरेंस किस चक्रास से था, वो मैं देख लूंगा आपसे अलग से बात कर लूंगा। एनी टाइम्स इट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल, और मतलब बिना कोई लाग लपेट और बिना कोई शुगर कोटिंग और बिना कोई ट्राइंग टू बी ओवर कॉम्प्लीमेंट्री, नो इट वॉज एक्सट्रीमली गुड, और बस आनंद आया नाम अंकल शालिनी इस्तांबुल। हाँ शालिनी बोलिए, हाउ आर यू शालिनी, इज जॉइंड अस फ्रॉम टर्की। वेरी ब्लिसफुल सेशन, बस ऐसा लगा कि 15-20 मिनट का ही था, एंड द मोमेंट यू सेड sending back, receiving the positive energy and sending back there is new energy to the source, the double amount of love, and बस आँख से पानी गिर रहे थे, इतनी ज़्यादा इतनी pure cleansing हुई मैं बता नहीं सकती, thank you so much। शालिनी वो बहुत important है क्योंकि जब हम जीवन में रहते हैं जिस तरह से, so there are people in our lives who send us a lot of negative energy. So how to deal with this? So the thing is like this, that when you are having this protective shield, you are imagining this protective shield, then give a command that just let this protective shield be such that whatever negative energy is coming, it is reflected back with double the amount of love. So what happens that when love goes to those people, it is all a game of intention. So when love goes to those people who are sending negative energies to us, they change somehow. And even if they don't change, then we don't get affected because this protection is there through this command. Thank you. Thank you for sharing. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Sir, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ बोलिए प्रिया. सर मैं तो अभी तक वो आपकी जो आवाज है उससे बाहर अभी तक आ नहीं पाई हूँ, उस मेडिटेशन अभी तक चल रहा है और इतनी अच्छी अनुभूति हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो मेरे लिए ही है, पूरा मेडिटेशन आज मेरे लिए ही था, तो अभी अभी भी उसी उसमें मैं घूम रही हूँ उसी में, और बीच में जब आपने क्राउन चक्र में कहा तब मेरा पूरा बॉडी टेम्परेचर पूरा गरम हो गया था, बहुत गरम, जबकि यहाँ बहुत ठंड है और इंदौर में बहुत ठंड है, पर मैं पूरा बॉडी टेम्परेचर मेरा गरम था बीच में एक टाइम पे। और कुंडलिनी शक्ति अंदर से कुछ काम करती है तो फिर बॉडी में गर्मी आ जाती है, और मुझे बहुत बार ऐसे सिहरन और कंपन लगातार चल रहा था, एक वेव्स वेव्स चल रही थी ऊपर से नीचे तक, वो वेव्स लगातार चल रही थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
now we close. Time to have a wonderful year. और ये चाहे ध्यान आप करें या न करें, मेरी वो बात जरूर याद रखिएगा. जीजी भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी. Sir, I'll just say that firstly, one of the initial experiences with you, except for the last session we had on Tuesday and two travelogues which I have gone through. Mr. Gogia, who is this? Yes, sir. Please. Girish Gogia. Please. Today's this session was very deep and powerful. It's such a wonderful way. I think you have combined almost encompassing everything, whatever I have experienced or read or learned little bit here, there in parts, superficial knowledge what I have. Because this type of combination of a lot of meditations or healing or light meditation along with the other consciousness, merging with the consciousness, everything starting from your own chakra cleaning, then protection and healing to your near dear ones, and then merging with the consciousness and for the complete universe. It's a rare experience. And I request that this, this if you could be put on the YouTube or somewhere, we can do it again. This combination I have not come across so far in whatever little experience. Not in so much detail, but there is an audio. I can share that with you. I had shared it with the group earlier. So there is an audio which is about 30 minutes and you can do it much more easily. So I'll be grateful, sir. This session was, I think this would be more than that, because the time-wise and then you have the way it's sort of journey into healing and also merging with the consciousness and protection and everything. Thank you, sir. Thank you very much. I'm grateful to you. नहीं, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा. मतलब ये अभी भी अवेयर होने के बाद भी बार बार वापस वही जा रहा है, खींच रहा है वो फिर से मन. तो ये भी आपने जो लास्ट में ये बात कही कि इसको आप डाल देंगे और इसकी प्रैक्टिस हम जरूर करना चाहेंगे, मतलब ये बहुत अब्सॉर्बिंग लगा है और इसका इफेक्ट भी बहुत महसूस हो रहा है तुरंत. ये क्योंकि थोड़ा लंबा था भाई साहब, तो वो कुछ लोगों को रोज करने में दिक्कत हो सकती है. नहीं तो, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस अगर वो हट जाएंगे धीरे धीरे, एक बार जब तो, वो हृदयंगम कर लेंगे तो फिर उसको जल्दी कर. बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा. ठीक है, आई विल मेक श्योर. थैंक्स टू हेमा, आई थिंक somebody is recording. थैंक यू, बहुत अच्छा. थैंक यू एवरीबॉडी, एंड आई विश एवरीवन अ वंडरफुल ईयर. And may this journey continue. And it is such a blessing to be associated with seekers of high order. So somehow or the other, this group is very special, that because so many special people have been brought together. And it's always a pleasure to sort of interact with the group. I feel really blessed to have come in contact with so many people who are such sincere seekers. So thank you, all of you, for being there. And we will end now. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sah Viryam Karavavahai, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सद्गुरुनाथ महाराज.